हेलो फ्रेंड्स, जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सौबान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि करंट अफेयर से रिलेटेड कौन से सवाल बनाए जा सकते हैं और उनके सही जवाब क्या होंगे, साथ ही उनसे रिलेटेड की फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल के साथ। तो पहला सवाल है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा आईपी सूचकांक 2020 में फिसलकर कितने स्थान पर पहुंच गया है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए 40। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं, US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर यानी कि GIPC इसको कहा जाता है, और ये जानकारी अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर की रिपोर्ट में दी गई है, यानी कि GIPC की रिपोर्ट में दी गई है। इस सूचकांक में दुनिया की 53 अर्थव्यवस्थाओं में बौद्धिक संपदा परिवेश का आकलन किया जाता है, और पिछले साल की बात करें यानी कि साल 2019 की अगर हम बात करें तो भारत 50 देशों की सूची में 36वें स्थान पर था, और इस साल जो है वो 40वें स्थान पर यानी कि 40th रैंक पर आ गया है। बौद्धिक संपदा के मामले में शीर्ष 5 जो देश हैं उसमें पहले पे अमेरिका है, दूसरे पे ब्रिटेन है, तीसरे पे स्वीडन है और चौथे पे फ्रांस है। वहीं पांचवी बात करें तो पांचवें स्थान पर जर्मनी है। यहाँ पर दोस्तों आपको अगर बता दें हम कि भारत ने 2020 की बात करें तो 38.46% यानी कि 50 में से 19.23 स्कोर किया, और वहीं अगर हम 2019 की बात करें तो भारत ने 36.04% जो है 45 में से 16.22 स्कोर किया था। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि भारत 2019 में जो 50 देशों की जो सूची थी उसमें 36वें रैंक पर था। और यहाँ पर थोड़ा आपको GIPC के बारे में बता देते हैं। तो GIPC यूनाइटेड स्टेट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रमुख संस्था है, और ये मजबूत आईपी मानकों की वकालत करने और नवाचार और रचनात्मक से संबंधित सभी मुद्दों को संभालता है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी बता देते हैं दोस्तों आपको कि इसका उद्देश्य है कि अमेरिका बहुपक्षीय मंचों और अन्य प्रमुख देशों में आईपी अधिकारों की प्रणाली को बढ़ावा दिया जाए और बचाव इसका करना है और इसका बचाव किया जाए। साथ ही साथ दोस्तों आपको यही बता देते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार सूचकांक अमेरिका वाणिज्यिक संगठन US चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा वर्ष 2007 में स्थापित ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सेंटर द्वारा सितंबर 2012 से जारी किया जा रहा है, और इसका मुख्य उद्देश्य अमेरिका और अन्य प्रमुख देशों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण तथा उसके मानदंडों का बचाव और संवर्धन करना है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो के 22वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है। यहाँ पे हम कई बार आपको IAS से भी इंडियन इंटरनेशनल सी फूड शो को के बारे में बताएंगे, तो इसका जो सही जवाब है वो है केरल। यहाँ पे दोस्तों आपको बता देते हैं कि इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो यानी कि IISS 2020 की बात करें तो इसका आयोजन समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है, और ये भारतीय निर्यातकों और भारतीय समुद्री उत्पादों के विदेशी आयातकों के मध्य सहभागिता हेतु एक मंच प्रदान करता है। और इसी का जो थीम इस बार रखा गया है यानी अगर हम साल 2020 की बात करें तो उसकी थीम जो है वो अंग्रेज़ी में अगर हम कहें तो ब्लू रिवॉल्यूशन बियॉन्ड प्रोडक्शन टू वैल्यू एडिशन, इसकी साल 2020 की ये थीम है। अगर हम इसी को हिंदी में कहें तो नीली क्रांति मूल्यवर्धन से परे उत्पादन, इसकी इस बार की थीम रखी गई है। और ये जो 7 से 9 फरवरी तक चला और कोची में इसका आयोजन किया गया था। इसका ये जो संस्करण यानी कि 2020 का जो संस्करण है उसे ये 22वां संस्करण है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2018 में जो हुआ था वो था 21वां संस्करण जो कि जनवरी में गोवा में आयोजित किया गया था। और इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो विश्व के सबसे पुराने और सबसे बड़े सी फूड शो में से एक माना जाता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी बता देते हैं कि इस आयोजन में लगभग 200
प्रदर्शक थे जिन्होंने भाग लिया था, और 350 इसमें स्टॉल रखी गई थी, वहीं पे 5000 से अधिक प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना, हमारी वेबसाइट JagranJosh.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 6 राज्यों के कितने थर्मल पावर प्लांट्स को बंद करने की चेतावनी दी है, तो इसका जो सही जवाब है वो है 14। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं, जो ये है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि CPCB, इसने 14 थर्मल पावर प्लांट को ये चेतावनी सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन को 31 दिसंबर 2019 की समय सीमा तक सीमित नहीं करने के संदर्भ में दी है। और इन थर्मल पावर प्लांट में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु का संयंत्र शामिल है। तो यहाँ पर आपको दोस्तों इन स्टेट्स के नाम याद रखने हैं। तो यहाँ से यानी कि ये हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है और आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, इससे 14 थर्मल पावर प्लांट है उनको ये चेतावनी दी गई है। और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधान के तहत कठोर जुर्माना लगाने या इकाई को बंद करने की शक्ति भी है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों हेतु किसे अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो इसका सही जवाब है डॉक्टर NS धर्मशक्तु। आपको यहाँ पर दोस्तों बता देते हैं कि कुष्ठ रोग क्या होता है। देखिए, कुष्ठ रोग जो है वो कोढ़ जैसे उसको कोढ़ भी कहा जाता है, और ये एक दीर्घकालिक रोग है जो कि माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई और माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोटोसिस जैसे जीवाणु की वजह से होता है। और कुष्ठ रोग के जो रोगाणु हैं उनकी खोज जो है कब हुई थी, 1873 में हुई थी। किसने की थी, ये हेंसन करके एक थे साइंटिस्ट, उन्होंने इसकी खोज की थी। और इसको अगर हम देखें तो पढ़ाई की भाषा में हेंसन रोग भी कई बार कहा जाता है। और साथ ही साथ आपको ये बता देते हैं कि अब जो ये डॉक्टर NS धर्मशक्तु हैं, उनको ये पुरस्कार महात्मा गांधी द्वारा कुष्ठ रोग से लड़ने में किए गए योगदान को देखते हुए उनके नाम पर दिया जाता है, तो इनको ये अवार्ड दिया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार की स्थापना गांधी स्मारक कुष्ठ रोग फाउंडेशन के ने साल 1950 में की थी। और ये पुरस्कार का उद्देश्य जो है वो कुष्ठ रोग के प्रति महात्मा गांधी की सेवा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को व्यापक बनाना है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। भारतीय वेटलिफ्टर राखी हल्दर ने 64 किलोग्राम निजी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से काफ़ी पीछे रहने के बावजूद सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीतने की सफल रही हैं वो, तो इसका जो सही जवाब है वो है स्वर्ण पदक। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि राखी हल्दर जो हैं उन्होंने स्नैच में 93 किलोग्राम और क्लीन एवं जर्क में 117 किलोग्राम के साथ कुल 210 किलोग्राम का वजन उठाकर चैंपियन वो बन गई हैं। राखी ने जून 2019 में राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में कुल 214 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता था। राखी हल्दर ने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में 214 किलोग्राम यानी कि 94 किलोग्राम प्लस 120 किलोग्राम के भार के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। कैबिनेट ने एयर इंडिया की सहायक संधि
एयर अलायंस को भारत और किस देश के बीच उड़ान शुरू करने के लिए मंजूरी दी है? इसका जो सही जवाब है वो है श्रीलंका। तो आपको दोस्तों बता देते हैं कि अलायंस एयर द्वारा घरेलू उड़ानों के लिए न्यूनतम 20 विमानों अथवा कुल क्षमता के 20% विमानों की तैनाती होने तक की अंतरिम अवधि के लिए इस अवशेष विभाजन को मंजूरी मिली है। केंद्र सरकार के अनुसार भारत और श्रीलंका एक दूसरे के साथ निकटता से जुड़े हैं और साथ ही साथ दोनों देशों के बीच संबंध बढ़ाने और जन जन के बीच संपर्क का विस्तार देश हित में है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने हाल ही में किस देश के लिए चिल्ड्रेन प्रोटेक्शन फंड लॉन्च किया है? इसका जो सही जवाब है वो है भारत। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि इस फंड के द्वारा बच्चों के शोषण को रोकने हेतु कार्य किया जाएगा और ये फंड उनकी परोपकारी संस्था ब्रिटिश एशियाई ट्रस्ट का हिस्सा है। इस फंड की स्थापना जो है साल 2007 में की गई थी। प्रिंस चार्ल्स ने दक्षिण एशियाई परिवारों की गरीबी और कठिनाइयों को देखते हुए इस के बाद ये ट्रस्ट की स्थापना की थी। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। रेलवे ने किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की है? इसका सही जवाब है भुवनेश्वर। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि रेलवे ने 1.79 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इसे किया है। इसमें प्लास्टिक और ई कचरे सहित 500 किलोग्राम कचरे प्रतिदिन से निपटने की क्षमता है और कचरा से ऊर्जा उत्पादन के इस संयंत्र का निर्माण 3 महीने में किया गया है। ये भारतीय रेलवे में अपनी तरह का पहला और भारत में चौथा संयंत्र है। अब दोस्तों वो सवाल जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था, तो सवाल था कि डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया जा रहा है? इसका सही जवाब है लखनऊ। यहाँ पर दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका सही जवाब भी दिया था। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिफेंस एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 5 से 9 फरवरी तक चलने वाले इस इवेंट में 70 देशों की रक्षा उपकरण बनाने वाली 150 और भारत की 857 कंपनियों ने भाग लिया था। डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन हर 2 साल में किया जाता है और इस बार ये लखनऊ में किया गया था और इसको डेफ एक्सपो का नाम दिया गया था, यानी कि डिफेंस एक्सपो, और ये डिफेंस एक्सपो का 11वां संस्करण है। दोस्तों अब एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है दीपा मलिक, सानिया मिर्जा, देवेंद्र झांझड़िया या फिर कांतिलाल परमार। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।